हर मनुष्य का एक सपना होता है मुंबई जैसे शहर में कामयाब होने का। मैं तो सपने देखता नहीं हूँ, मेरी तो किताब ही प्रारंभ हुई है कि मुझसे किसी ने पूछा कि तुम सपने क्यों नहीं देखते, तो मेरे मुख से पागलपन से निकल गया गुरुजी कि सपने मुझे देखते हैं इसलिए मैं सपने नहीं देखता। तो ये पागलपन हमारे अंदर मेरे दाता ने भेजा था। हमसे जब कोई पूछता है ऐसा कैसे लिख लेते हो, ऐसा कैसे गा लेते हो, तो मैं बोलता हूँ वही गाते हैं वही लिखते हैं, मैं तो बस पाइप हूँ, अमृत तो कोई और बनकर बह रहा है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। तो ये जो पुस्तक है ये पुस्तक भी उसी के बारे में है कि जितने भी गाने आप लोगों के दिलों को छू पाए हैं कैलाशा के, वो कैसे बने, उनके पीछे की क्या ट्रिविया है, क्या एनेक्डोट्स हैं, क्या उनके पीछे कुछ कुछ संस्मरण है, कुछ बहुत ही विशेष हमारे अनुभव हैं परेश के साथ, नरेश के साथ। ऑलमोस्ट हम लोगों को 20 वर्ष साथ में हो गए हैं और गुरुजी करियर को अभी 18 वर्ष हो गए हैं। तो बहुत ही बड़े मजे से अब ये पुस्तक आई है 50 गानों की। गाने हमारे कम से कम 200-300 हैं सुजीत भैया, लेकिन लगभग अभी 50 की पहले पुस्तक निकाली है हमने ट्रेलर की तरह। देखो अगर पब्लिक में लूट मची थोड़ी बहुत, आजकल क्या 50 कॉपी भी बिक जाए, 1000 भी बिक जाए तो लगता है वाओ इट्स अ बिग हिट ऐसा लगता है। तो बस हम भी अब कोशिश में है, पहली पुस्तक ये आई है, इसका नाम है तेरी दीवानी बियॉन्ड लिरिक्स। तो ये जितनी भी डिजिटल बुक स्टोर्स हैं या जितनी भी दुनिया में फिजिकल बुक स्टोर्स हैं सब जगह मिलेगी कुछ दिनों के बाद। अभी हमने लॉन्च कॉपीज बनाई हैं, बस कुछ कुछ उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं तो वो हम अभी ठीक करेंगे, फिर उसको बाजार में उतारेंगे। आप सबका आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू सो मच सर। इससे पहले कि हम पुस्तक लॉन्च करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैलाश दादा से कि वो सभी महानुभवों का, सभी हमारे उस्तादों का सम्मान करें, टू फेलिसिटेट आवर डिग्निटरीज हु आर ऑन स्टेज। सबसे पहले पद्म विभूषण श्री हरिप्रसाद चौरसिया जी, सौभाग्य हमारा कि हम इस वक्त इस मंच पर इस हॉल में मौजूद है जहां पर वो हमारे साथ है। And brothers in arms, the wonderful trio, the brilliant, supremely talented trio of Naresh Paresh and Kailash Khel, Kailasa, long live. there you go. And now can we have 5 copies अगर हम किताबों को यहाँ पर ला सके प्लीज। और मैं चाहूंगा कि एंड कैन वी हैव द 5 कैन वी हैव द कॉपीज ऑफ द बुक्स प्लीज। आइए दोस्तों, और ये दोस्तों आपके लिए तेरी दीवानी, ये नई किताब जो कि आपके लिए लेकर कैलाश दादा क्यों आप नमस्कार आपके सभी। और ये किताबें आप तक ये कुछ नए कुछ पुरानी बातें लेकर जाएंगी। जोरदार तालियां, गेट योर कॉपीज लेडीज एंड जेंटलमैन। तालियां रुकनी ना चाहे, ये मौका जो हमें मिला है इस मंच पर होने का इस किताब के जरिए। भाई भाई के भूल रहे हैं वस्तुएं, तो वस्तुएं रख रख के भूल रहे हैं, इसलिए बांटो, जितना बांटोगे उतना रिसीव करोगे। तो हुनर भी एक ऐसी ही चीज है, उसको भी बांटिए। थैंक यू वेरी मच आप सब लोग इतनी संख्या में यहाँ आए बारिश के वक्त भी, तो ये तो श्रावण और मेरे महादेव का ही चमत्कार है। हरिओम। बहुत बढ़िया, मैं
फरीदा आप हमारे सीनियर सबसे जोरदार तालियां। सबको बहुत बहुत नमस्कार। पंडित जी को पहले पहला भोलेनाथ के लिए क्या बोलूं, ये हमारे भोलेनाथ जी हैं कैलाश जी, बहुत ही सुंदर गायक। मगर आज जो अपनी 50वीं सालगिरह पे जो काम हो रहा है यहाँ पर, जिसको देख के मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। ये काम कोई नहीं करता और नए टैलेंट्स को दुनिया के सामने लाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है और मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता भी हूँ। और इस काम में कैलाश कभी भी मेरी सेवा का, कभी आपको मेरी सेवा की ज़रूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ। और भगवान तुम्हारी आवाज़ सारी दुनिया में तो फैल ही रही है, उसके आगे की भी दुनिया कोई हो उसमें भी फैले। वैसे ही तू ऊपर वाले के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये एरियल जो तेरे पीछे लगा हुआ है तो डायरेक्ट तुम पहुंच जाते हो। और तुम्हारी वाणी हम लोगों ने स्वर्ण स्वर भारत में देख आपने सुनी हुई है, इतना अच्छा बोलना, इतना अच्छा गाना, तुम्हारे जैसे नसीब वाले को ही मिलता है। तो फिर से एक बार बहुत बहुत 50वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। I mean, both of you have been so, so beautiful. Your voice is pierced through into the heart. Your wishes for Kailash Dada on his birthday. जन्मदिन की शुभकामनाएं। और कैलाश जी को अब क्या ही बोले, सब बोल ही चुके हैं और सब जानते हैं। मैं जब से भी जानता हूँ, जब भी कुछ भी कभी किसी भी चीज़ के लिए, मैंने गाने के लिए इधर के लिए हमेशा मुझे बुलाते हाँ अंगराग, मुझे पापा, मेरा शुभ नाम है अंगराग, तो पापा नहीं बुलाते मुझे, ये बोलते हाँ अंगराग क्या है बेटा। तो हमेशा से बहुत ही खुश मतलब उसमें है, लेकिन बस बेटा इतना मतलब है, ठीक है, उनका मतलब आसपास ही है, फिर भी प्यार से। सो यस, आई मीन आप लोग जो भी आए हैं इस अवसर पे और ये मौका जो दिया गया है आपको कैलाश जी ने ये सबके सामने, इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो दैट कैलाश जी का जो आवाज़ है, या ऑल ऑफ यू शुड नो दैट यू हैव योर ओन वॉइस, एक अनोखा आवाज़ हो जो रिपीट ना किया जा सके, जो कॉपी ना किया जा सके, उन आवाज़ में से एक कैलाश जी का आवाज़ है। तो आप लोग की यही सीखे कि अपना आवाज़ लेके आए, किसी का कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यस, उनको दुआएं दें, उनको आशीर्वाद दें। एंड कैलाश जी थैंक यू अगेन, गाड़ी में है, गिफ्ट में बांट देने का। जी सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी बारिश में भी बहुत सारे लोग ट्रैफिक को हराते हुए, ट्रैफिक को धता दिखाते हुए यहाँ पहुँचे और मुस्कुरा रहे हैं। वरना कई बार क्या होता है, ट्रैफिक की जो इरिटेशन होती है, परेशानी होती है, उससे थोड़ा व्याकुल होके दिखते हैं चेहरे, लेकिन सब आनंद मंगल में बैठे हुए हैं और आनंद ले रहे हैं बहुत हमारे पूरे शो का। दूसरी बात यह है कि देखिए, जन्मदिन तो सभी मनाते हैं और कुछ जीवन ऐसे होते हैं जिनको लक्ष्य मेरे दाता देकर भेजते हैं कि आपका पेट भर जाए तो किसी और का भरना प्रारंभ करना, वही असली में परमात्म सेवा होती है। और हम लोगों को इस तरह से परमात्मा ने प्रेरणा दी संकल्प के लिए, और हमने ये संकल्प लिया कि हर जन्मदिन पर नए हुनर का दीप जलाएंगे, नए कला साधकों को मंच देंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। इस बार ये 7वां वर्ष है नई उड़ान का और जन्मदिन तो हमारा 7 जुलाई को होता है श्रावण में ही, परंतु इस बार ये थिएटर क्योंकि आज का अवेलेबल हुआ था तो अब ये यहाँ पर 20 आर्टिस्ट आए हैं इस बार, और कुछ नए हैं, कुछ पहले से थोड़ा घिसे हुए हैं, लेकिन घिसे हुए भी इतने ज़्यादा भी नहीं हैं। तो इसलिए भगवान की बहुत एक अनंत कृपा है
कि प्यारे लोग मंच पे अपने मन का गाएंगे, सब थोड़ा थोड़ी एक एंट्री, तो बहुत ही प्यारा माहौल बना है। श्रावण महीने में संगीत, परमात्मा का सुमिरन, तो ये बहुत ही यूनिक पल हैं। आप सभी को इन पलों की शुभकामनाएं। देखिए जी, जब आप संकल्प अगर आपका शुद्ध हो तो मेरे ईश्वर उसमें कोई ना कोई ऐसे यज्ञ में आहुति, जैसे मेरे दाता ही उसको यज्ञ को संपन्न करा रहे हों। पूरे वर्ष हम कैलाश खेर और कैलाशा एंटरटेनमेंट, जो हमारी छोटी सी टीम कंपनी है, पूरे वर्ष पहले हम तलाशते हैं पूरा भारत से, पूरे भारत के बाहर से भी, भारत जैसे टैलेंट, उनको पहले तलाशना, फिर तराशना, फिर उनको ग्रूमिंग देना, क्योंकि हमको ये सब नहीं मिला। हमको तो सही रास्ता दिखाने वाला भी नहीं। संगीत में जिनके नाम हो जाते हैं उन्हीं का सम्मान होता है, उन्हीं की पहचान बड़ी हो जाती है, लेकिन अब पहचान कितनों की होती है। तो ऐसे में यदि आज जैसा युग और कोई किसी को हाथ थाम के बताए कि इस रास्ते मत जाना, इसमें जाना, तो ये बहुत बड़ी गाइडेंस होती है। वही कार्य हम कर रहे हैं अब, और इसका बहुत लाभ भी मिल रहा है। नए नए एक से एक टैलेंटेड हुनर हैं, तो बहुत बहुत नई उड़ान की बहुत अनंत बधाई और शुभकामनाएं जी। मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब रहा जब जैसा म्यूज़िक हम लिखते हैं, कंपोज करते हैं और गाते हैं, जब उसको स्वीकृत किया मेरे परमात्मा के सब जनमानस रूप ने, और जब उन्होंने ये स्वीकृत किया और ये पता लग गया कि अगड़ बम 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 लहरी, जब ऐसा म्यूज़िक भी पसंद किया जाने लगा, तब हमारा टर्निंग पॉइंट आ गया। हमको समझ आ गया कि बाबा आप हो, यहीं कहीं हो, कण कण में तो आप होते ही थे, सुनते तो हम आए थे, लेकिन अब आपने बता भी दिया कि आप हो। क्यों? क्योंकि शुरू में जब हम आए थे तो ये कह के हमें पहले रिकॉर्ड कंपनी ने भगाया था कि इट इज़ नॉट अ हीरो काइंड ऑफ वॉइस एंड दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, दिस काइंड ऑफ लिरिक्स विल नॉट वर्क। तो अंग्रेजी में MBA किए हुए ने हमें भगाइस, लेकिन बाद में परमात्मा का MBA ऐसा धरती पे जन्मा कि एक फिल्म का हमारा गाना हिट हुआ, उसके बाद हमारे एल्बम पे एल्बम हिटम हिट होते गए। आज ईश्वर की इतनी अनुकंपा है कि नॉन फिल्म गानों के लिए, नॉन फिल्म दुनिया के लिए हम लोगों के गानों को एक मापक माना गया है, एक मानदंड माना गया है। यदि आप कैलाश खेर के गाने गा लें, यदि आप कैलाशा जैसा गाना गा लें, तो आपके जीतने के अवसर हैं। तो जब हम ये सुनते हैं तो मैं परमात्मा को और नमन करके धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अंग्रेजी में उसे ग्रैटिट्यूड कहते हैं, वो करते हैं हम। और हे मेरे ईश्वर, एक दिन ऐसा था जब हम गुरुकुल में थे, अंदाज भी नहीं था कि फिल्मों में जाके भी गा पाएंगे क्या, लेकिन आज फिल्मों में भी हमारे लिए अलग से गाने कंपोज किए जा रहे हैं। बाहुबली में हमारे एक गाना गाने के लिए बुलाया था साहब ने हमें, MM क्रीम सर ने, फिर तीन गवाइस वहीं के वहीं। तो भगवान का एक अलग रूप चल रहा है। हरिओम।